मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नए नए प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में बैंड बाजे के साथ मतदाता को जगाने के लिए मंगलवार को चुनावी बारात निकाली गई, जिसमें मतदाता को जागरूक करने के लिए पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए अनोखी रैली स्टेडियम से शुरू होकर पीएससी पीलीकोटी होते हुए कलेक्ट्रेट पर आकर संपन्न हुई। यहां पर जिले के स्वीप कोऑर्डिनेटर अनुज अग्रवाल ने बताया कि मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। अनुज किस पद पर हैं आप? मैं यहां स्वीप कोऑर्डिनेटर हूं मुरादाबाद जनपद में। देखिए, मुरादाबाद जनपद में पिछले सितंबर माह से सुव्यवस्थित मतदाता जागरूकता एवं इलेक्टोरल सहभागिता के चलते बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित यहाँ किए गए हैं। चूँकि मुरादाबाद में 14 फरवरी को मतदान होना है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके यही हमारे जिला प्रशासन की मंशा है। यही माननीय भारत निर्वाचन आयोग के यही निर्देश हैं। उसी क्रम में आज हमारे माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम सम्मानित शिक्षक साथियों के साथ मिलकर एक जन जागरूकता रैली मुरादाबाद में निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है कि मुरादाबाद इतिहास रचेगा इस बार और बढ़ चढ़कर मतदान करेगा इस बार। रैली कहाँ कहाँ से निकाली गई है मुरादाबाद? देखिए, ये रैली जो है सोनकपुर स्टेडियम से प्रारंभ हुई है और फिर पीएससी तिराहा होते हुए और पीली कोठी होते हुए फिर ये कलेक्ट्रेट में यहाँ आई है और आदरणीय जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मुख्य विकास अधिकारी महोदय और तमाम जो माननीय प्रेक्षक महोदय जो जनपद को आवंटित हुए हैं उन सब के माध्यम से यहाँ फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगी, बैलून सेरेमनी होगी। और इसका एक ही मकसद है कि मुरादाबाद में इस बार विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं का रुझान बढ़े और मतदान को लेकर एक उत्साह का माहौल है पूरे मुरादाबाद में।